नमस्कार। आज की इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग और आप लोगों की पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस 73rd इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। घर वाले को बोल देना व्लॉगिंग को बढ़ना इंडिपेंडेंस डे किया था। गाइस हमेशा ना एक दूसरे को प्यार करें, सपोर्ट करें और गाइस कभी भी ना किसी भी ना धर्म में जात में ना भेदभाव ना करें कि ये तो इस धर्म का, ये तो इस जात का, इससे दूर रहो भैया, इसके साथ मत बैठो, क्योंकि अब 21st सेंचुरी में जिया और हर जात धर्म को भी इज्जत दे जाओ, अपने जात धर्म को इज्जत दे रहे। और हमने सोचा था कि इस 15 अगस्त को हमें इस कोरोना की बीमारी से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल हमें पक्का इस बीमारी से आज़ादी मिल जाएगी कि 2021 में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इस कोरोना से मुक्त किया जाए और इस कोरोना को हिंदुस्तान से धक्के मार के नहीं मार सकते, कोरोना से दूर रहना है कि जल्द से हमें इस कोरोना से रिलीज कर दे। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक हम इन सबका सपोर्ट नहीं करेंगे। आप लोग पहुंचेंगे हम कैसे सपोर्ट करें भैया, हम सपोर्ट करेंगे घर पर रहकर, जरूरत पड़ने पे घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वैसे दोस्तों यारों में तो पता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, आई होप मुझे मेरी छोटी सी बात आप सबको समझ आई होगी। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप सब? क्योंकि भैया हमारी तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पिछले 4 दिन से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आज सूत्रों के ने जो खबर दी थी वो खबर एकदम सही निकली और फाइनली आज बारिश नहीं हुई, मतलब हुई थोड़ी बहुत हो रही, उतनी नहीं हो रही, इसलिए हम फाइनली आ चुके हैं घर से बाहर और हम जा रहे हैं बोरा बाज़ार। आप सबको मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमें गोरिल्ला पॉड लेना है, सो ही हम लोग लेने के लिए ऑन द वे बस पहुँचेंगे, फिर सीधा आप सबके शॉप में मिलेंगे। बाय बाय। राइट, सो अभी हम लोग बोरा बाजार की गलियों में, यानी अभी हम लोग कैमरा गली में, और हम लोग बैग जोन तो गए थे लेकिन वहाँ पे जो भी गोरिल्ला पॉड था, बट जो भी गोरिल्ला पॉड 3K ब्लैक कलर वाला एडिशन था, मेरे को ब्लैक मतलब एकदम अलग ही, और वाइट कलर का है सूट तो अपने पर एक नंबर, जैसे कि ये टी शर्ट छूट हो रही है, लेकिन क्या है बार बार गंदा हो सकेगा, इसलिए हम लोग को ब्लैक चाहिए। तो अभी किसी और शॉप में जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं। 2000 years later। ऑल राइट गाइस, तो मेरे पीछे माफी कैमरा शॉप और इसके अंदर सारी एक्सेसरी मिलेगी, और यहीं से मैंने अपना जो भी का गोरिल्ला पॉड लिया है। मुझे ब्लैक वन चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं, मैंने पूरी बोरा बाजार की मार्केट ढूंढ लिया, फिर उसके बाद मैं शॉप में आया। अरे सर शॉप के, हाँ भाई
हाँ तो यही सर की शॉप सर आपकी शॉप है ना? हाँ हमारा ही है। हाँ तो यहीं से मैंने गोरिल्ला पॉड लिया है। और सर आप शॉप का एड्रेस अगर बता देगा मैं व्यूअर्स को तो अच्छा होगा। शॉप तो CST स्टेशन का सामने बर्गर किंग के पास है। सिंपल है आने के लिए। सिंपल एकदम मॉपसी इज वन ऑफ द बेस्ट शॉप है ना। अच्छा शॉप है, कभी भी आओ कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। कोरोना चल रहा है, हाथ भी इतने मिलाने। ऑलराइट गाइस सो क्या टाइम आ गया है वड़ा पाव खाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। 50 लोग के पीछे हम लोग वड़ा पाव खाने के लिए लाइन लगाए। दुकान खोल लेते आयन में तो बोलता हूँ बहुत महंगे जगह जान दे भाई। One eternity later. ऑल राइट सो अभी हम लोग हैं साइन डबो के पास और हमारी जो बस है जिस बस से हम आए थे उसका 22 नंबर था। और अगर उसके मतलब रूट की बात करें तो मरोड़ इलाका से लेके कुछ ऐसा एंटा ब्रिज तक आती है और रिटर्निंग में भी हमें वही बस करनी थी वापस आने के समय, लेकिन ना वो बस मिली नहीं इसलिए हम लोग 25 नंबर बस पकड़ी जो कि साइन डबो तक आती है। और वहाँ से लेके साइन से लेके अब जाने के लिए अपने घर तक जहरी मेरे के लिए दूसरी वक्त जानी पड़ेगी। और ये इनसे मिले ये हमारे नए फ्रेंड, ये हमारे फ्रेंड के फ्रेंड है लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अभी हमारे फ्रेंड बन चुके हैं। और बस में काफ़ी अच्छा लगा और ये भाई हम लोग को लेके जा रहे कि मतलब साइन से कैसे जाए, मतलब ये और मैं और जो मेरे साथ आयान है हम लोग तीनों बस में बहुत कम ट्रैवल करते क्योंकि उल्टी विल्टी आती है। तो ट्रेन काफ़ी अच्छा और ट्रेन में पैसा भी बचता है यार, पैसा हर किसी को बचाना है। तो अभी हम लोग चलते चलते यही बस स्टॉप तो अभी यही बस स्टॉप है हमारी बस आ जाएगी, बाकी सारी बातें घर पर होंगी। और इसके लिए गोरिल्ला पॉड के लिए इतना झंझट हुआ ना मेरे को, दिमाग भी सही हो गई है। मैं ब्लैक वाला ढूंढ रहा था लेकिन ब्लैक वाला मेरे को मिला नहीं। देखो अंकल कैसा देख रहे हैं, अंकल कर रहे हैं। मैं ब्लैक वाला ढूंढ रहा था लेकिन वो ब्लैक वाला मिला नहीं मेरे को, वो लोग बोले पुराना इसलिए मैंने फाइनली यही ले लिया। और आज मेरे को एक सीख मिली कि एक दुकान पे पहुंचे तो दूसरी दुकान में कभी जाना नहीं चाहिए, उसी दुकान से लेना चाहिए। इसके चक्कर में मेरा 200 रुपीज़ का लॉस हो चुका है और बस के लिए लाइन लगानी पड़ रही है यार वड़ा पाव के लिए। कोरोना ने दिमाग ख़राब कर दिया है। मिलते हैं भी थोड़ी देर में वरना सब लोग खा लेंगे मेरे को देख देख के। ये देखो ये बस के लिए लाइन लगी है, लाइन लगाना ही पड़ेगा भाई। पूछ पहला जाएगी क्या? पूछ जाएगी ना कर देगा अपन को। अरे पूछ ले पहला। बैल में जाएगी क्या बोल रहे? बैल में जा, बैल में जा रहे। चल चलेगा, चल चल के, चल के, चल के। ऑल राइट सो वो दिन वो बस सही में जरी मरी नहीं गई थी आयन की वजह से। हमने वो बस से चलती बस से हम लोग उतरे और फिर से हमने दूसरी बस पकड़ी उसके 10 मिनट बाद। और उस दिन आने के बाद मैंने सोचा था कि इस व्लॉग को संडे वाले दिन कंटिन्यू करेंगे इधर पार्क वो सब जगह में जाके, लेकिन संडे वाले दिन से जो मेरी तबीयत खराब हुई थी वो मैं आप सबको बता नहीं सकता। इतनी तबीयत खराब थी कि मैं चल भी नहीं जा रहा और सर्दी इतनी बेकार हो गई थी, लग रहा था नाक में किसने नल चालू कर दिया और नल से पानी गिरे जा रहा है। इसलिए तुम लोग बोलता फोन साइलेंट में रखने के लिए। सो बट यही मतलब फाइनली हम लोग को गोरिल्ला पॉड हम लोग का मिल गया था काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद। कम से कम 2 घंटा हम लोगों ने एक एक दुकान का नाम ऐसा दिमाग में फिट हो गया है कि अब कहीं भी जाना हो तो पहले मुझे कॉन्टैक्ट करना। फाइनली हम लोगों ने ले लिया था। यही था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज्वाइन माई यूट्यूब फैमिली। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम। Walking alone.